हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में से टॉपिक 3 का पार्ट ए पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक 3 में हमने सोर्सेज ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन पढ़ा, जिसमें हमने मोल्ड, ईस्ट एंड बैक्टीरिया को कवर किया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम टाइप्स ऑफ फूड पढ़ेंगे, उनमें स्पॉयलेज कैसे होती है इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पॉयलेज कंपोनेंट नहीं किसी में भी छोड़ेंगे। जैसे कि ब्रेड की जितनी भी स्पॉयलेज होती है, मैं आपको इसमें सारी की सारी डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेड स्पॉयलेज पहली है बैक्टीरियल रोपीनेस हो जाना। बैक्टीरियल रोपीनेस क्या होती है? पहले तो रोपीनेस क्या होती है? रोपीनेस जो नॉन एसिडिफाइड ब्रेड होते हैं उनमें ज़्यादा होती है रोपीनेस। रोपीनेस में क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस हो जाता है ब्रेड फ्लोर प्रोटीन्स का बाय प्रोटीनेस द्वारा, ठीक है। एंड स्टार्च का भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है अमाइलेसिस में, जिसकी वजह से रोपीनेस होती है। रोपीनेस होने की वजह से क्या होता है, येलो टू ब्राउन कलर हो जाता है ब्रेड का, एंड सॉफ्ट एंड स्टिकी सरफेस हो जाती है, जिसकी वजह से ऑफ ऑर्डर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया रोपिनस कॉज करता है बैक्टीरिया, वो हैं बैसिलस सब्टिलस, बैसिलस लाइकनोफॉर्मिस, बी प्यूमिलिस। जो बैसिलस सब्टिलस और बैसिलस लाइकनोफॉर्मिस हैं, वो माइल्ड फूड इलनेस भी कॉज करते हैं। ये जो बैक्टीरियल रोपिनस कॉज करने वाले ये बैक्टीरिया मैंने आपको बताएं, वो स्पोर फॉर्मर्स हैं। मतलब कि ये बेकिंग टेम्परेचर है जो ब्रेड का, उस पर भी सर्वाइव करते रहते हैं। बैक्टीरियल रोपिनस जब होती है तो डिकम्पोज हो जाती है ब्रेड की क्रम्ब, ठीक है। ब्रेड की क्रम्ब है जो डिकम्पोज हो जाती है। मेनली जो बैक्टीरिया रोपिनस है वो समर में ज़्यादा अच्छे से होती है, ज़्यादा ग्रोथ होती है समर में। सोर्सेज क्या हैं रोप होने के, ये सोर्सेज क्या हैं? जो ये बैक्टीरियाज हैं वो, इनके जो स्पोर्स हैं वो इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारे ब्रेड के, जैसे फ्लोर एंड ईस्ट, इनमें ही प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो तो बेकिंग के टेम्परेचर पे डेड हो जाते हैं, बट जो स्पोर्स होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। जो ऑप्टिमम कंडीशन है रोप फॉर्मर बैक्टीरियाज के लिए, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस है। एंड पीएच वैल्यू जो वो 5.3 तक तब होनी चाहिए इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो हमने पढ़ा बैक्टीरियल रोपिनस के बारे में, जिसमें येलो टू ब्राउन कलर हो जाता है ब्रेड का, रोपिनस कॉज करते हैं जो बैसिलस सब्टिलस एंड बैसिलस लाइकनोफॉर्मिस है। ये एक मेजर, मतलब मेजर स्पॉयलेज है ब्रेड में। दूसरी आती है मोल्डीनेस। जो मोल्डीनेस है वो कॉज की जाती है पेंसिलियम एक्सपेंसिव एंड एस्परजिलस नाइगर द्वारा। म्यूकर एंड राइजोब्स भी इसमें जो है मोल्डीनेस कॉज करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में एंड ब्रेड में, ये स्पॉयलेज कॉज करते हैं। जो मोल्डीनेस का क्या मतलब होता है, जो स्मेलिंग एंड टेस्टिंग है जो स्टेल हो जानी, मतलब कि ओल्ड टेस्टिंग आनी, एंड स्मेल है जो उसकी ख़राब हो जानी, ऑफ ऑर्डर आनी स्टार्ट हो जानी। जब मॉइस्चर ट्रैप्ड हो जाता है बैग में तो ब्रेड है जो उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से फंगस की ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। इन राइजोब्स टॉनिफर को ग्रोथ करने के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है 30 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। और जो ये एस्परजिलस नाइगर, म्यूकर एंड राइजोब्स हैं, वे बेकरी प्रोडक्ट्स को भी स्पॉयल करती हैं। जो एस्परजिलस फ्लेवर्स एंड पेंसिलियम स्पीशीज है, ये टॉक्सोजेनिक है। जो एस्परजिलस फ्लेवर्स है उसको आइसोलेट किया गया था होम स्टोर्ड बेकरी प्रोडक्ट से, टॉक्सोजेनिक थी ये। एंड टॉक्सोजेनिक पेंसिलियम स्पीशीज़ को आइसोलेट किया गया था वीट फ्लोर और ब्रेड से। तो जो एस्परजिलस फ्लेवर्स है वो ब्लैक कलर है जो ब्रेड का वो प्रोड्यूस करती है, ब्लैक मोल्ड को प्रोड्यूस करके। पेंसिलियम स्पीशीज़ ब्लू ग्रीन मोल्ड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारा फूड, हमारा ब्रेड है जो स्पॉयल हो जाता है। थर्ड मेजर स्पॉयलेज है चौकी ब्रेड। चौकी ब्रेड में क्या होता है, जो एंडोमाइसिस
फिबुलेजेरिया एंड ट्राइकोस्पोरन वेरिएबल्स होते हैं, ये चौकी ब्रेड कॉज करते हैं, मतलब के चौक लाइक अपेयरेंस आ जाती है, चौक लाइक जो स्पॉट्स बन जाते हैं ब्रेड पे वो इनके द्वारा ही कॉज किए जाते हैं। आगे आ गया हमारा सिरेटा मार्सिसेंस। सिरेटा मार्सिसेंस ब्रेड पे रेड और ब्लडी कलर, रेड और बहुत ज़्यादा ही रेड कलर है जो उसकी ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से ब्रेड का जो कलर है वो भी रेड हो जाता है। एंड जो मोनेलिया स्टोबिवा स्टोफिबा बैक्टीरिया है वो पिंक ब्रेड कॉज करता है, पिंक कलर हो जाता है ब्रेड का। रेड कलर ऑफ क्रम्ब है जो वो ओल्डियम ग्यूटेरिकम की वजह से होता है। जब एस्परजिलस की ग्रोथ होती है तो ब्लैक मोल्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ब्लैक कलर हो जाता है ब्रेड का। एंड कुनिडिया की जब ग्रोथ होती है ये तो ईस्टी ब्रेड प्रोड्यूस होता है। राइजोब्स अगर इनकी ग्रोथ होती है तो ये अगर स्पॉयल करते हैं ब्रेड को तो भी ब्रेड है जो ब्लैक हो जाता है। पेंसिलियम एक्सपेंसम की वजह से ग्रीन कलर का ब्रेड है जो हो जाता है। तो आज हमने ब्रेड की स्पॉयलेज पढ़ी, जिसमें दो मेजर थी, रोपीनेस एंड मोल्डीनेस एंड चौकी ब्रेड, ये मेजर थी। उसके बाद हमने टॉक्सोजेनिक के बारे में पढ़ा, जो एस्परजिलस एंड पेंसिलियम ये टॉक्सोजेनिक हैं दोनों। फिर हमने रेड ब्रेड कौन सी फूड स्पॉयलेज की वजह से होता है उसके बारे में पढ़ा, एंड पिंक ब्रेड एंड एस्परजिलस नाइगर कुनेडिया राइजोब्स एंड पेंसिलियम एक्सपेंसम। इसको आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, ये सारे ऐसे ही आपको ICER एग्ज़ाम में आते हैं, मैंने सारा एग्ज़ाम देखा हुआ है। आपको ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें प्रिवेंशन नहीं आती आपको स्पॉयलेज की, बस स्पॉयलेज किस किस बैक्टीरिया की वजह से, किस मोल्ड एंड किस ईस्ट की वजह से होती है, एंड उसके रिजल्ट में फूड में क्या हो जाता है, बस आपको इतना ही याद रखना होगा। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं अगली स्पॉयलेज के साथ। इसके साथ ही ब्रेड की सारी स्पॉयलेज हमारी ख़त्म होती है।